आयु की दृष्टि से तो बड़े हो जाते हैं, पर चिंतन की दृष्टि से बालक जैसे विकसित अविकसित ही बने रहते हैं, और यह अपरिपक्वता ही हमारे जीवन की आंतरिक प्रगति में सबसे बड़ी बाधा बनकर के आती है। तो गुरुवर, विचारों की पूर्णता एवं दृष्टिकोण की परिपक्वता को हम अपने आंतरिक जीवन में कैसे विकसित करें, जिससे हम अपने प्रगति को प्रभावशाली बनाते हुए बड़ी सफलताओं को प्राप्त करने की संभावनाओं को सुनिश्चित कर सकें, कृपया समाधान करें। विचारों की परिपक्वता, प्रौढ़ता और दृष्टिकोण की परिपक्वता को कैसे विकसित करें? देखिए, विचारों में प्रौढ़ता और दृष्टिकोण में परिपक्वता अनुभव से आती है, और ये अनुभव हम स्वयं के जीवन से भी लेते हैं और अनुभवी जनों के संपर्क से भी पाते हैं। व्यक्ति को अपने विचारों के प्रौढ़ता के लिए या परिपक्वता के लिए हमेशा अच्छे लोगों का संपर्क रखना चाहिए, ऐसे लोगों की संगति में रहें जिनके विचार प्रौढ़, परिपक्व और परिष्कृत हो। ऐसे लोगों से अपना संपर्क जोड़े जिनकी सोच पूरी तरह सकारात्मक हो और जो प्रगति के पथ पर चलते हों, जो हमें अच्छी प्रेरणा देते हों, क्योंकि हम जैसे लोगों के संपर्क में रहते हैं हमारा जीवन वैसा हो जाता है। इसलिए इस तरह का दृष्टिकोण अपने अंतर मन में विकसित करना चाहिए। दूसरी बात, ऐसा साहित्य पढ़े जिससे हमें एक अच्छी प्रेरणा मिले, वह भी हमारे विचारों को प्रौढ़ बनाने में सहायक बनेगी। और तीसरी बात, हम नित्य भावना योग करें। भावना योग करने से धीरे धीरे हमारे विचारों में प्रौढ़ता आती है।